नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा कोर के रूट मार्च को दिखाई हरी झंडी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों को एसएसपी ने किया सम्मानित। चित्रगुप्त मंदिर में मेदांता के डॉक्टर प्रवीण कुमार चंद्रा के नेतृत्व में आई टीम ने निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाया। उपन्यास अर्धागमन पर आयोजित हुई गोष्ठी एवं परिचर्चा। पूर्वांचल बैंक सेवानिवृत्त कर्मी कल्याण समिति के सदस्यों ने बैठक कर गिनाई समस्या। महानगर कांग्रेस पार्टी ने किया पोस्टर वार, भाजपा को बताया जुमलेबाज। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग एक दर्जन लोग हुए सम्मानित। कमिश्नर अनिल कुमार और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने शहर एवं ग्राम वासियों को दी क्रिसमस पर्व पर बधाई। गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्रिकेट मैच का हुआ समापन। ग्रेट ग्रीन टीम ने हासिल की शानदार जीत। और 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल का होगा महानगर आगमन। अब समाचार विस्तार से। नागरिक सुरक्षा कोर के स्थापना दिवस के अवसर पर रूट मार्च और वार्डन सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के पूर्व नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा कॉलेज परिसर से रूट मार्च निकाला गया, जिसे डीएम राजीव रौतेला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रूट मार्च कॉलेज परिसर से निकलकर जुबली रोड, रेती रोड, घोष कंपनी चौराहा, शास्त्री चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, टाउन हॉल, एडी चौराहा होते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हो गया। रूट मार्च के बाद वार्डन के लोगों द्वारा आग को सफलतापूर्वक बुझाने, बम फटने के पूर्व उसे नष्ट करने के तरीके, एयर स्ट्राइक आदि पर मार्क ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों के सदस्यों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन राजीव गुलाटी, अनिरुद्ध प्रसाद सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे नियंत्रक और जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम अपने तमाम नागरिक सुरक्षा के वार्डन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे नियंत्रक, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे सरपरस्त, हम सब लोगों के बीच में आ चुके हैं। हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय सिटी मजिस्ट्रेट साहब सभी लोग हैं। कई बीच जो है बुके देकर हमारे चीफ वार्डन साहब ने हमारे जिलाधिकारी महोदय का स्वागत किया है। फिर वापस उसी जगह आएगा। हमारे चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी साहब से निवेदन करेंगे कि आप आए। मैक्सिमम जैकेट में थोड़े से। आपने कब ज्वाइन किया है? आपने मैंने देखा नहीं पहले। वो हमारे हमेशा आती थी। वो आई कहाँ है? मदद के लिए कहाँ? सर मिल चुका है ना, राज्यपाल अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, सब बहुत अच्छा, बहुत पहले मिला है सर। और यहाँ से मिल चुका है मंदिर से सब अवार्ड हमारे। इसमें आप जो अभी खिचड़ी उत्सव होने वाला है उसमें आप कितने वॉलंटियर्स अपने तैयार कर रहे हैं? 350 वार्डन को 4-4 घंटे गोरखपुर महोत्सव में जी जस साहब के साथ थे, लोग का भी लगा था। और सर जस साहब का 14 को लगा है पिछले वर्ष। लेकिन प्रॉपर ब्रीफिंग आप और इनको पुलिस के साथ समन्वय कराइए। आज के वहाँ मंदिर पे भी मीटिंग लगाई है। वहाँ भी तो हम लोग का कैंप लगता है।
जिन्होंने कलर अपने अपने हिसाब से किया। नहीं नहीं, पहले मतलब रंजन कुमार साहब ने जो काम पहले ग्रीन कलर के बनवाए थे, फिर बॉर्डर ईमानदारी पहनता ग्रीन कलर का, फिर रंजन कुमार साहब ने येलो भी बनवा दिए। हाँ जी, कम है वो डिफरेंस। एक बार अगर आपके रिजिम में एक बार हम चलिए लौट के करते हैं। हाँ जी, ये मैंने होम गार्ड जैसा। हाँ जी, सिविल डिफेंस परिवार के सभी हमारे साथी, जिसमें हमारे चीफ बॉर्डर, डिप्टी कंट्रोलर, सारे वार्डन्स, सारे वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस के प्रभारी अधिकारी, हमारे एडीएम सिटी, सिटी मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर उपस्थित हमारे पुलिस अधिकारी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से आए हुए हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी, एनसीसी के हमारे कैडेट्स, और इस मार्च में पार्टिसिपेट करने आए हुए स्थानीय बैंड के सभी मेंबर्स, मीडिया के प्रिय बंधुओं, अन्य उपस्थित समस्त महानुभाव, अभी आज जो ये आयोजन है 6 दिसंबर को जब स्थापना दिवस होता है सिविल डिफेंस का, तो उस दिन से ये सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रक्रियाएं निरंतर जारी है और आज इसका समापन है। सिविल डिफेंस एक ऐसा संगठन है जिसकी प्रासंगिकता, इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत कभी भी कम नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जो कठिनाइयां, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसमें जो हमारी सिविल पॉपुलेशन है, कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिसे आपदा की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन एक ऐसा संगठन है जो वर्षों वर्षों से, 60 के दशक से और निरंतर आज तक जहां जहां इसका गठन हुआ है वो जनता की सेवा में लगा हुआ है। आप सभी को यह संज्ञानित होना चाहिए कि जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस वॉर के बाद जो हम लोगों ने सीख ली और जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी तैयारियां की, उसके बाद ये संगठन गठित हुआ था और इसके बाद 1967 का युद्ध और 1971 का युद्ध, ये दोनों ऐसे युद्ध थे जब दुश्मन देश द्वारा हवाई हमले भी किए गए और नागरिक सुरक्षा संगठन विशेष रूप से उन जिलों में रहा जहां पर एयरबेस रहे या जो बहुत अन्य संवेदनशील हमारे संस्थान होते हैं जो वहां पर ऐसे जगहों पर अवस्थित हैं, वहां पर नागरिक सुरक्षा संगठन गठित हुआ है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि गोरखपुर जिले में, मैं जब यहाँ आरंभ में आया था तब भी हम लोगों ने दोस्ती यहाँ पर की थी और उसके बाद मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जैसे भी आवश्यकता होती है संगठन के वार्डन और वॉलंटियर्स अपने ऑफिसर इंचार्ज और अपने चीफ वार्डन के नेतृत्व सब जगह मुस्तैदी से खड़े होते हैं। अभी आने वाले महीने में दो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, साल दर साल होने वाला खिचड़ी उत्सव भी 13, 14, 15 को होना और इस बार इसकी महत्ता इसकी भी है, कदाचित माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस अवसर पर महानगर में उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने लगभग एक महीने पहले से ही सारी तैयारियां आरंभ कर दी और उनको ठीक से मुकम्मल कराएंगे। हमारा यह अनुरोध है चीफ वार्डन साहब से कि आपके जो यहाँ पर वॉलंटियर्स और वार्डन्स हैं उनकी जरूरत हमको निश्चित रूप से रहेगी
और हमने डीएमसीडी साहब से कहा है कि आप सभी को अच्छे से इसके लिए ट्रेन करी, समन्वय पुलिस विभाग के साथ कराई, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको भी आप साथ में समन्वित करिए, जिससे कि हम लोग शांति व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील इस आयोजन को सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से करा सके। इस बार हम लोग 11 जनवरी से 13 जनवरी तक बैरकपुर महोत्सव भी करा रहे हैं। बैरकपुर महोत्सव में भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्राउड कंट्रोल की जरूरत भी होगी, अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत होगी, उसके लिए भी आपकी सेवाएं हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आने वाला समय लगभग 10 जनवरी से लेकर और 16 जनवरी तक का जो सप्ताह है वो तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे पूरी आशा है कि हमारा नागरिक सुरक्षा संगठन पूरी तन्मयता से, पूरी रुचि से और पूरे परिश्रम से इन दोनों आयोजनों को शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित संपन्न कराने में अपने योगदान देगा। आज के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी बहुत बहुत बधाई, और इस मार्च पास्ट में जितने भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जो भी संगठन यहाँ पर आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग आज के दिवस के अवसर पर इस बात का संकल्प भी लेंगे कि चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे होमगार्ड्स हो, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हो, उन सभी का एक ही मकसद है कि हम अपने महानगर को, अपने जिले को शांतिपूर्ण रखें और यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ के आयोजनों को हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिलाधिकारी नियंत्रण महोदय जो है वो उन्होंने हरी झंडी दिखाया और पार्ट निकलेगा, रूट पार्ट में सबसे आगे हमारा प्रचार वाहन होगा, प्रचार वाहन जिसको कोतवाली डिवीजन के सेफ वार्डन श्री मनोज कुमार मिश्रा जी इस समय उसमें है प्रचार वाहन पर। जिलाधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखा दी, प्रचार वाहन को आगे बढ़ाइए। एक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण तथा राष्ट्र का सहयोग कर सकते हैं। यह यहाँ की नागरिक सुरक्षा कोर जो है जब तक एम्बुलेंस में
हम आपसे बता रहे हैं कि हमारे अधिकारी लोग कितना प्रभाव को कोई मतलब महोदय लेकर उनका स्वागत करते हमारे जिलाधिकारी महोदय सुबह 8 बजे से हम लोग के साथ है ये पीछे ही दिखाई देती है इस तरह का
बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मेदांता के डॉक्टर प्रवीण कुमार चंद्रा के नेतृत्व में आई टीम में डॉक्टर विशाल भंडारी, पुनीता, डॉक्टर विवेक चंद्रा, डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर वी के श्रीवास्तव, डॉक्टर सुषमा, डॉक्टर राजन एवं कई अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। शिविर में हृदय, हड्डी, यूरो, शुगर, थायराइड, उधर के लगभग 1200 मरीजों को डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें उचित सलाह दी। उठाकर दिए की कोटि बुझाएं, है लिखी जो तुमने शौर्य गाथाएं, नमन है तुम्ही को पराक्रम तेरा ऊपर। राव भैया थोड़ा सा उधर चलिए, उधर चलिए, उधर चलिए, और उधर क्लोज होइए। मेयर साहब आप भी हाथ लगा लीजिए। बस बस मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, हम यहीं के रहने वाले हैं वैसे, लेकिन अभी मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को, वहाँ पे हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और इंटरवेंशन को ट्रीटमेंट काफ़ी 20 साल 6 साल से करते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है हार्ट से, शुगर से, एंडोक्राइन से, गैस्ट्रो से, उन सब लोगों का यहाँ पे निदान होगा, सलाह दी जाएगी। और ये स्पेशलिस्ट मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली से आए हैं, सारे कार्यक्रम करेंगे और यहाँ से जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें सहायता कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्बास यहाँ बैठे हुए हैं साथ, और भी काफ़ी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। गतिविधि संस्थान द्वारा साहित्यकार बलदेव त्रिपाठी के उपन्यास अर्धागमन पर गोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण चंद्र लाल, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, प्रोफेसर अनंत मिश्र सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की तरफ से उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन माल्यार्पण और अंग वस्त्र पहनाकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने संबंधित पुस्तक पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको बताते चलें कि अर्धगमन पुस्तक में एक गरीब और अमीर व्यक्ति द्वारा धन अर्जन के अपने अपने तरीके को दर्शाया गया है। अपनी उत्तरी के द्वारा चितरंजन जी का आदरणीय मिश्र जी का स्वागत है।
शाहबाद में पढ़ते हैं, वहाँ के एक छात्र नेता पढ़ने में बहुत ही कुशल हैं, बहुत ही कुशाग्र हैं, परिवार के लोगों को पूरी उम्मीद है कि वे किसी आईएएस या पीसीएस अधिकारी के रूप में सफलता प्राप्त कर लौटेंगे। लेकिन वहाँ एक छात्र राजनीति के धुरंधर, मैं धुरंधर इसलिए कहूँगा कि उन्होंने फुलेश नंदन या फुल्लन मिश्र का पूरा जीवन ही बदल दिया। अनुरागी उस छात्र नेता का नाम है जो इलाहाबाद में आकर लगातार फुल्लन मिश्र को प्रभावित करते हैं, वहाँ नुक्कड़ सभाएं करते हैं, छात्र राजनीति का आंदोलन चलाते हैं, किंग मेकर की तरह अध्यक्ष के चुनाव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के चुनाव में प्रभावी गतिविधि पैदा करते हैं, प्रभाव डालते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति आती है कि अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर फुलेश नंदन या उर्फ फुल्लन अनुरागी जी के शिष्य हो जाते हैं। अनुरागी जी बहुत आगे बढ़ते हैं, कथा आगे बढ़ती है और अनुरागी जी बाद में किसी विभाग के अध्यक्ष हो जाते हैं जो राज्य स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उसके साथ कुछ दिन समय व्यतीत करने के बाद अनुरागी जी की पत्नी फुल्लन से पिंड छुड़ाना चाहती है और अंत में थक हार कर निराश होकर फुलेश नंदन और फुल्लन मिश्र वापस चले आते हैं अपने गांव। सौभाग्य से गांव की स्थिति बहुत अच्छी है और गांव की परिस्थितियों को अपने तरीके से कैसे जिए वे, चूंकि छात्र रहे हैं, आधा से ज्यादा जीवन विद्यालय और विश्वविद्यालय में बीता है, खेती किसानी में मन नहीं लगता, तो उन्होंने कार्य जनसेवक के रूप में अपना कार्य शुरू किया और उसी जनसेवक के रूप में वो जिन जिन कार्यालयों में जाते हैं वो खदेरू की पेंशन पास कराते हैं। कथाकार ने बड़े तरीके से व्याप्त ग्रामीण अंचल के भ्रष्टाचार को उजागर किया है कि खदेरू और फुल्लन मिश्र के वार्तालाप में सुनाई पड़ता है कि गांव में 35 से 40 वर्ष के लोग भी वृद्धावस्था का पेंशन पा रहे हैं और खदेरू खुद 45-50 का है, उसकी पेंशन कट गई है तो उसको पास कराने के लिए वो फुलेश नंदन या फुल्लन मिश्रा के पास जाता है। और बीडीओ कार्यालय में क्या भ्रष्टाचार है, उसके बाद सीडीओ कार्यालय की क्या स्थिति है, कथानक आगे बढ़ते हुए अंत में फुल्लन मिश्र अपने तिकड़म से खदेरू जो 50 वर्ष का है उसको निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन पारित करा लेते हैं। कार्यालय और समाज के बीच दलाली करने का एक अड्डा है शंकरपुर चौराहा, उसमें सब लोग जुटते हैं, वहीं से अपने अपने कैंडिडेट को पकड़ते हैं, जिसे कथाकार ने मुर्गा शब्द इस्तेमाल किया है कि सभी सुबह से उठकर अपना मुर्गा तलाशते हैं। कथानक बहुत कसा हुआ है, एक साथ ग्रामीण और शहरी अंचल दोनों का समन्वय स्थापित किया है कथाकार ने। पूर्वांचल बैंक सेवानिवृत्त कर्मी कल्याण समिति की सदस्यों की बैठक रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शाहिद अली ने की। इस मौके पर महामंत्री हरिशंकर सिंह, उपाध्यक्ष जी एस राय, ए के श्रीवास्तव, डी एन आर श्रीवास्तव सहित समिति के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्रेच्युटी राशि में किए जा रहे कटौती को बंद किए जाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध कराए जाने सहित कुल 4 सूत्रीय मांग पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान बैंक में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों ने भी अपनी समस्या गिनाई। तो कम से कम जो भी जो उचित हो, कुछ गोरखपुर के स्तर के जो कि समय दे सके, सबसे जरूरी है उनको समय देना, जिनको भी उचित समझता है समझे लो और वो समय दे सकता है तो उसको आगे किया जाए। दूसरी चीज, अभी डीएनआर महोदय ने त्रिस्तरीय बात की, अच्छी बात है, होना चाहिए। उसमें सिर्फ एक चीज है
कि जो बार बार कमिश्नर कमिश्नर की बात हो रही है ये बहुत अच्छी बात है, कमिश्नर से बात होनी चाहिए, लेकिन यदि कमिश्नर के साथ साथ पुलिस विभाग के किसी उच्च अधिकारी से भी बात किया जाए तो शायद कुछ और फल निकले, क्योंकि जब वो बात उस स्तर की आएगी तो कमिश्नर के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उनको भी अपनी सारी बात बताई जाए, सारी परिस्थिति बताई जाए। तीसरी चीज उपस्थिति सदस्य संख्या की, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे रिटायरी संख्या शायद 650 या 700 है और इस मीटिंग में जो कि 3 महीने में एक बार होती है अधिक से अधिक 150 या 200 लोग आते हैं, तो कम से कम समस्त आम सभा के सदस्यों से ये मेरा अनुरोध है कि जहां 3 महीने में एक बार मीटिंग हो रही है वहां तो कम से कम अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके आम सभा की मीटिंग में आने का प्रयास करें। आए हैं सुबह वो जो 10 बजे का बैंक का टाइम है तो हम लोग को 9:30 बजे तक बुला लिया जाता है, जब तक बैंक बंद नहीं होता तब तक हम लोग को बैंक पे रखा जाता है। और आजकल बैंकों में इतनी पॉलिसी आ गई है, जैसे SBI है, SBI जनरल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, APY है, SMS अलर्ट है और मिस कॉल अलर्ट है, ब्रांच मैनेजर और जो बैंक के और सब कर्मचारी जो लोग हैं वो ऑर्डर दे देते हैं, बेटा ये सब पूरा काम तुम्हें कर लेना है। APY मिलता है पर APY 50 रुपये दिए जाते हैं। मैं साहब ने कहा बेटा ऐसा है कि तुम्हें ये हमारा जो टारगेट है 25 का इसको पूरा कर देना, हम कहे ठीक है साहब हम पूरा कर देंगे। 25 का उन्होंने टारगेट दिया, 50 का टारगेट दिया, उन्होंने पैसा निकाला। साहब की तरफ से इस समय ये है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, APY है, जिससे लोगों को प्रमोशन आजकल मिल रहा है, सिर्फ ये कराने प्रमोशन हो जाता है सर, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसा हुआ है। तो जो APY जिन्होंने कराया 50 का, उसने कितना मेहनत किया, किससे बात किया, किसका क्या किया, और जो पैसा निकला शाम को 100 रुपये उसको दे दिए या 50 रुपये, बाकी उन्होंने पैसा अपने पास रख लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब महाप्रबंधक साहब का जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पर ब्रांच मैनेजर साहब का नाम लिख दिया जाएगा और सारा वो पुरस्कार और सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। उनका कम से कम और सर्टिफिकेट तो आप लेके जाइए, लेकिन जो पैसा मिला वो कम से कम जिस आदमी ने मेहनत किया उसको तो दे जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। और पिछली बार जो आप रिटायर कर्मचारी या अधिकारी जो लोग हैं सर, अभी हमें ज्यादा पूरा जानकारी नहीं है, 2-3 महीने हम लोग हरशंकर सिंह साहब से हम लोग मिले थे, बात हुआ था, तो हम लोग गए थे हेड ऑफिस जिस दिन ज्ञापन देना था, तो उदय अध्यक्ष साहब नहीं थे, महाप्रबंधक साहब थे, तो इनके मार्फत हम लोग गए और डायरेक्ट हमने जाके GM साहब से बात किया, तो उनके सामने हमने प्रश्न रखा कि एक चीज बताइए सर, हम लोग इतने 15 साल, कोई 20 साल, कोई 24 साल, कोई 7 साल, कोई 3 साल से काम कर रहा है, क्या हम लोग का कुछ होगा, 200 रुपये में चावल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की याद दिलाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को एक बार फिर पोस्टर वार करते हुए PM मोदी को जुमलेबाज बताया और कहा कि जनता के किए गए वादों को पूरा नहीं किए जाने PM मोदी और BJP की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जनता द्वारा क्रिसमस के अवसर पर बेस्ट जुमला अवार्ड 2017 से नवाजा जा रहा है। पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि साहेब 2G का दांव तो उल्टा हो गया, महंगाई, अच्छे दिन, 15 लाख रुपये, पाकिस्तान को सबक सिखाना, गंगा निर्मल करना, दाऊद इब्राहिम को पकड़ना, युवाओं को रोजगार, CBI को आज़ाद करना इत्यादि वादे प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे नहीं हुए। पोस्टर जारी करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जनता से जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया। नई उम्मीद संस्थान का 4th स्थापना समारोह रविवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह, विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक राम चेतन चौधरी, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, प्रोफेसर विनोद सोलंकी, मार्कंडे मणि त्रिपाठी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 लोगों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के वर्ष भर किए गए कार्य का विवरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने सम्मानित लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूर्वांचल की जाने माने हस्ती हैं और उन्होंने कहा है जैसे मैं आऊंगा उनके आवास पर जाकर, मोदी पर उनका आवास है, मैं ये सम्मान उनको दूंगा। हमारे बीच डॉक्टर राकेश राय जी आ चुके, लोग का निवेदन करूंगा वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अवधेश त्रिपाठी जी की मदद ली और इन सब के सहयोग से हम लोगों ने 11 मार्च 2016 को कमिश्नर कार्यालय पर एक महापंचायत का आयोजन किया और इसमें 9 दिवसीय एक हम लोगों ने पैदल मार्च का आयोजन जन जागरण एम्स जन जागरण यात्रा के नाम पर किया है, जो अयोध्या गया गोरखपुर से 9 दिन तक पैदल चलने का काम हुआ था एम्स की स्थापना और इंसेफ्लाइटिस की पीड़ा जन जन तक पहुंचाने के लिए। और ये पहली आगाज थी इस गोरखपुर की धरती से, जिसके बाद ये जो दिया जला था एम्स के आंदोलन का, तमाम समाजसेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने इसकी लगाम पकड़ी और इसे माना, क्योंकि हम लोगों ने इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया कि एम्स नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों को राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, हमें केवल एम्स चाहिए था, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की पीड़ा इस पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको महसूस करते हुए और उस एम्स के डिमांड के तहत जो हम लोगों ने जन आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद वो उत्प्रेरक का काम किया। मैं नहीं कहना चाहता कि केवल हमारे प्रयास से एम्स बना है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हमने भी उसमें अपने हिस्से का दिया जलाया है, ये कहने का अधिकार हमको है। और वो दिया जला और वो दिया केवल यही नहीं जला, अयोध्या में फिर हम लोगों ने एक महापंचायत की और वहां से हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक वृहद प्रदर्शन किया। 20,000 लोग विभिन्न संस्थाओं के, एनजीओस के, भारतीय किसान यूनियन के इकट्ठा हुए और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री को हमारा ज्ञापन लेकर यह आश्वासन देना पड़ा था कि एम्स की स्थापना गोरखपुर में ही की जाएगी और शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसको वहां दिल्ली की मीडिया ने हाईलाइट किया था, गोरखपुर में थोड़ा ये मसला गोपनीय रह गया किन्हीं कारणों से। इसके बाद आरकेसी मिश्री जी आ चुके हैं, जो न सिर्फ गोरखपुर के बल्कि पूर्वांचल के मशहूर फिजिशियन है और आपके सहजता के कायल हमारी पूरी श्रद्धा है, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके कैप्टन आदेश के साथ जुड़े हुए हमारे कमिश्नर अनिल कुमार और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने जनपद के शहर एवं ग्रामवासियों को क्रिसमस पर्व की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। कमिश्नर ने कहा कि यीशु मसीह ने संसार को प्रकाश देने के लिए जन्म लिया ताकि पाप रूपी अंधकार को समाप्त किया जा सके। इन्हीं आदर्शों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष क्रिसमस पर्व मनाते हैं। जिलाधिकारी ने अपने संदेश में कहा कि क्रिसमस पर्व मानव में शांति, आनंद, क्षमाशीलता, करुणा, दया और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। मनुष्य का इन्हीं सिद्धांतों को अपनाने से कल्याण हो सकता है। अधिकारी द्वारा संपूर्ण मानव जाति को इन आदर्शों एवं सिद्धांतों को अपनाने तथा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लेने की अपील किया है। गोरखपुर सिविल कोल्ड बार एसोसिएशन के द्वारा रीजनल स्टेडियम में रविवार को 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का समापन हो गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि अधिवक्ता एक तरफ जहां समाज के कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, वहीं यहां खेल के मैदान में भी इन्होंने अच्छी प्रस्तुति की है। ये अपने आप में सराहनीय बात है। समापन अवसर पर फाइनल मैच ग्रेट ग्रीन और लीजेंड लायर के बीच खेला गया, जिसमें लीजेंड लायर ने 10 ओवर में 94 रन बनाया, वहीं ग्रेट ग्रीन ने 95 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। और जब भी हमारे बार एसोसिएशन को उनकी आवश्यकता होगी और हमारे बार एसोसिएशन को जब भी आवश्यकता किसी चीज की होगी, महापौर जी सदैव अपना दोनों बाहें फैला करके तैयार रहेंगे मदद के लिए। आज भी फाइनल मैच के दौरान हमारे महापौर जी एक बड़ी घोषणा करने आए हुए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि सभी हमारे आयोजक मंडल निराश नहीं होंगे। टाइट मारेगा भाई। बहुत ही शानदार मुकाबला। अर्शद बेग बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। बहुत ही उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल का 26 दिसंबर को 7 बजे जनपद में आगमन हो रहा है। वे 11 बजे से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में एलुमिनियाई मीट कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत 1 बजे जनपद के लिए प्रस्थान करेंगे। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा कोर के रूट मार्च को दिखाई हरी झंडी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों को SSP ने किया सम्मानित। चित्रगुप्त मंदिर में मेदांता के डॉक्टर प्रवीण कुमार चंद्रा के नेतृत्व में आई टीम ने निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाया। उपन्यास अर्धागमन पर आयोजित हुई गोष्ठी एवं परिचर्चा। पूर्वांचल बैंक सेवानिवृत्त कर्मी कल्याण समिति के सदस्यों ने बैठक कर गिनाई समस्या। महानगर कांग्रेस पार्टी ने किया पोस्टर वार, भाजपा को बताया जुमलेबाज। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 1 दर्जन लोग हुए सम्मानित। कमिश्नर अनिल कुमार और जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने शहर एवं ग्राम वासियों को दी क्रिसमस पर्व पर बधाई। गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय क्रिकेट मैच का हुआ समापन। ग्रेट ग्रीन टीम ने हासिल की शानदार जीत। और 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल का होगा महानगर आगमन। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।